सब्सक्राइब कीजिए मर्चेंट एवी इन्फो चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। हेलो गाइस, दिस इज राहुल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मर्चेंट एवी इन्फो। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप अपना सीडीसी कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, किस चीज़ का ध्यान रखना होगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के टाइम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दो दो महीने तीन तीन महीने वेट करने के बाद भी MMD छोटी सी गलती पर CDC कैंसिल कर रहा है। तो CDC अप्लाई करने के टाइम में आप आराम से रिलैक्स होकर जो भी डिटेल है उसको भरें। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपको कहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। आप जब भी अपना CDC अप्लाई करें तो इंटरनेट एक्सप्लोरर से ही करें, क्योंकि वो काफ़ी स्मूथ चलती है। तो सबसे पहले आप अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाइए और टाइप कीजिए ई गवर्नेंस और गो पर क्लिक करें। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आपके सामने खुलेगा वो है ई गवर्नेंस डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग। तो ये ऑप्शन पर क्लिक करें। इसको क्लिक करने के बाद लेफ़्ट साइड में ई गवर्नेंस करके एक ऑप्शन दिखेगा, आप उस पर क्लिक करें। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। तो अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड जो भी है आप डाल दें। इस डिटेल को डालने के बाद आपके आपको एक ऑप्शन दिखेगा CDC मैनेजमेंट एंड COC एस कुक। तो आप इस पर क्लिक करें। अगले पेज में लेफ़्ट साइड में सबसे ऊपर सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखेगा, आप उस पर क्लिक करें। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो CDC एप्लीकेशन करके एक ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करें। इसे क्लिक करने के बाद न्यू CDC एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, आप इसे पढ़ लें जो भी इंस्ट्रक्शन है, और आप इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसे क्लिक करने के बाद आपके सामने CDC एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि पहला स्टेप में आपका नाम, फादर्स नेम, प्लेस ऑफ बर्थ, जो आपके पासपोर्ट में भी मेंशन होगा। तो एज़ पर पासपोर्ट जो भी डिटेल है वो सेम डिटेल आपको CDC भरने के टाइम में करना होगा, नहीं तो आपका CDC रिजेक्ट हो सकता है। और रीज़न आएगा MMD की तरफ से कि आपका डॉक्यूमेंट डिटेल्स मिसमैच हो गया है। तो जो भी डिटेल आपका पासपोर्ट में है वही सेम डिटेल आप CDC में डालें। उसके बाद आपसे आपका इंडोर्स नंबर, इंडोर्स ACU डेट, हाइट, कलर ऑफ आइज, कलर ऑफ हेयर, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, उसके बाद वैलिड पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट आपका कहाँ से इशू हुआ, डेट ऑफ इशू ऑफ पासपोर्ट और पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट डालें। इसके बाद नीचे आपसे 10th स्टैंडर्ड का डिटेल्स पूछा जाएगा। अगर आप CBSE हैं तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन डालें, और अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं तो स्टेट बोर्ड ऑफ जो भी आपका स्टेट है वो डालें। तो स्टेट बोर्ड, जैसे आप झारखंड से हैं तो स्टेट बोर्ड ऑफ झारखंड डाल दें। तो 10th मार्कशीट में आपका सर्टिफिकेट नंबर होगा, उसे भी आपको डालना है। तो वो आपके मार्कशीट के ठीक ऊपर होगा, तो आप साइड में देख लेना, दाहिने साइड या बाएं साइड में सबसे ऊपर होगा। तो ये सर्टिफिकेट नंबर जो भी है आप डाल दें। और उसके बाद आप कब पास आउट हुए थे 10th में, किस ईयर में, ईयर ऑफ पासिंग जो भी आपका ईयर है तो वो वहाँ पर डाल दें। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। अगले पेज में आपका एड्रेस पूछा जाएगा। तो हमेशा आप लोग याद रखें कि आप जो भी डिटेल्स आपका पासपोर्ट में है सेम डिटेल्स आपका CDC में भी होना चाहिए। तो पासपोर्ट में आपका एड्रेस लिखा होगा तो जैसा भी, मतलब जिस तरह से लिखा होगा, तो कोशिश करें कि आप लोग सेम डिटेल्स आप CDC एप्लीकेशन में डालें। तो इसमें आपसे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, फ़ोन नंबर। अगर आपके पास घर में फ़ोन नहीं है तो आप अपना मोबाइल नंबर जो है वो डाल सकते हैं। उसके बाद अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पूछा जाएगा। तो फिर अदर कम्युनिकेशन डिटेल्स में ईमेल एड्रेस और आपका पर्सनल मोबाइल नंबर वो मांगा जाएगा। तो डिटेल्स भरने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करें। इसके बाद नेक्स्ट ऑफ किन करके एक पेज खुलेगा। नेम ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन में अपने पापा का नाम डाल दें, रिलेशनशिप में फादर डाल दें, और फिर जो भी एड्रेस है जो आपने पिछले पेज में भरा था तो सेम इसमें भी डाल दें, और नीचे मोबाइल नंबर बॉक्स में अपने फादर का मोबाइल नंबर डाल दें। तो सारी डिटेल भरने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करें। तो नेक्स्ट पेज में आपका STCW का पेज खुलेगा। तो ये आपको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये ऑटोमेटिक अपलोडेड रहता है। आपने जो भी कोर्स किया है जिस किसी भी कॉलेज से, वो STCW कोर्स को इंडोस से ऑटोमेटिक लिंक करके रखती है।
तो STCW में आपका जो भी पांचों कोर्स है, आप चाहे तो उसका डिटेल्स अपने STCW सर्टिफिकेट के साथ मिला लें। जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर है, डेट ऑफ इशू है, उसको आप अपने सर्टिफिकेट के साथ मिला लें। इसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करें। इसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट का पेज खुलेगा। तो आपने अपना मेडिकल जिस किसी भी डीजी शिपिंग अप्रूव डॉक्टर से कराया होगा उसका डिटेल आप भर दें। सारा डिटेल आपके मेडिकल सर्टिफिकेट में होगा तो आराम से सारा डिटेल आप भर सकते हैं। नेम ऑफ द डॉक्टर, DGS अप्रूवल नंबर फॉर डॉक्टर, एक नंबर होगा जब डॉक्टर आपके मेडिकल सर्टिफिकेट पे एक स्टैम्प मारेगा तो आपके फ़ोटो के ठीक नीचे वो मेंशन रहेगा वो नंबर, तो आप जो नंबर है उसको डाल दें। उसके बाद प्लेस ऑफ इशू, कहाँ से आपने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया था, डेट ऑफ इशू ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट में आप आपने कब अपना मेडिकल बनवाया था, उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट का एक्सपायरी डेट जो भी है वो आप डाल दें। तो ये सारी डिटेल्स आपके मेडिकल सर्टिफिकेट पर ऑलरेडी मेंशन होगा, तो आराम से अपना डिटेल्स डाल दें। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। इसके बाद आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो नीचे एक ऑप्शन दिखेगा जनरेट एप्लीकेशन नंबर करके, तो आप उस पर क्लिक करें। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपका डाटा जो है वो सबमिट हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन नंबर भी जनरेट हो जाएगा। हो सके तो आप अपने एप्लीकेशन नंबर जो है वो उसको नोट कर लें फ्यूचर यूज़ के लिए। और दाहिने साइड में पे नाउ का ऑप्शन दिखेगा, आप पेमेंट करने के लिए इस पर क्लिक करें। जो नेक्स्ट पेज खुलेगा पेमेंट के लिए, उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करें। तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग का यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको 700 रुपये पे करने होंगे। पे करने के बाद पेमेंट डिटेल्स का पेज खुलेगा। तो अगर आप अपना पेमेंट सक्सेस हो गया है तो वहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल दिखाएगा। तो इसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लें और इसके बाद इसका प्रिंटआउट निकलवा लें। प्रिंटआउट निकलवाने के बाद आप पहले पेज पर नीचे में अपना साइन कर दें, क्योंकि हर डॉक्यूमेंट में सेल्फ अटेस्ट करना ज़रूरी है डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले। और दूसरे पेज में साइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस पेज में ऑलरेडी साइन करने का ऑप्शन रहता है। साइन करने के बाद आप अपना स्कैन करवा लें और सेल्फ अटेस्ट भी करवा लें, और जो PDF या JPG दोनों में से कोई एक में हो तो चलेगा। बस अगला स्टेप आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन अगर आप ये सारे स्टेप फॉलो करते हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड करें, जो कि मैंने आपको पीछे बताया था। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है, जिसका लेंथ और ब्रेथ 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी इमेज है और आप तो आप गूगल के हेल्प से अपना फ़ोटो जो है वो रिसाइज कर सकते हैं। आप गूगल पर सर्च करें ऑनलाइन इमेज रिसाइजर, तो आपके सामने बहुत सारे साइट खुल जाएंगे, तो जिसमें आपको अपना इमेज रिसाइज करना है तो जिस किसी इमेज को आपको रिसाइज करना है उसको डाल दें, तो वो ऑटोमेटिक आपका उस साइज़ में लिंक हो जाएगा। तो तीसरा है स्कैन सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, इसमें साइज़ का इशू नहीं है। और आपने इससे पहले किसी भी ऑनलाइन फॉर्म के लिए स्कैन सिग्नेचर अपलोड किया होगा तो उसको भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। चौथा डॉक्यूमेंट है आपको अपना पासपोर्ट अपलोड करना है, और वो किस तरह करना है मैं आपको बताता हूँ। जो आपका सबसे पहला पेज है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मुहर लगा होगा वो पेज, उसके बाद जिसमें आपका फ़ोटो होगा वो पेज, और लास्ट वाला पेज जिसमें आपका एड्रेस होगा। तो तीनों को एक साथ कलर स्कैन करके सेल्फ अटेस्ट करके इसके बाद इसको अपलोड करना है। और कोशिश करें कि आपका जो भी स्कैन हुआ है वो डॉक्यूमेंट एकदम साफ साफ दिखना चाहिए। और पांचवा डॉक्यूमेंट है आपको अपलोड करना है, वो है 10th का सर्टिफिकेट। इसको कलर स्कैन करवा के सेल्फ अटेस्ट करवा के इसके बाद आपको इसको अपलोड करना है PDF में। और छठा डॉक्यूमेंट है मेडिकल सर्टिफिकेट। सबसे पहले NX4, उसके बाद NX5 एक साथ एक ही पेज में अटैच करके कलर स्कैन करके उसके बाद हर पेज में सेल्फ अटेस्ट करके आपको अपलोड करना है। सातवां और लास्ट डॉक्यूमेंट आपको अपना आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड जो जनरली सबके पास होता है उसको भी कलर स्कैन करके और सेल्फ अटेस्ट करके अपलोड करना होगा।
तो अगर ये सारे स्टेप आप लोग फॉलो करते हैं तो आपको CDC आराम से भर देंगे। मैंने आपको छोटी से छोटी चीज़ बताने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि आप लोग आराम से अपना CDC अप्लाई कर देंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कराना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।